बहरहाल हमारे साथ संकल्प भी इस वक्त जुड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ से। संकल्प, काशी तो भोले बाबा की ही नगरी है, तो आज किस तरीके की धूम महाशिवरात्रि के पर्व पर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, काशी में उत्साह की लहर है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी और भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग पहुंचे हैं अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। 4 बजे जैसे ही मंदिर खुला उसके बाद में दर्शन के लिए जो कतारें लगी हुई थी, भक्त तमाम जो है गंगा का स्नान करने के बाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे तमाम भक्त पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद, चूंकि ये शिवरात्रि का पहला पर्व है तो ऐसे में तमाम भक्त लंबी कतारों में लग के जो दर्शन करते थे अब सहूलियत जरूर हुई है। कितने बजे से लगे थे लाइन में दर्शन में? लोग 4 बजे से लगे हुए थे सुबह। विशेष दिन है आज का, मंदिर में अब सोना भी लग गया, क्या कहेंगे, और भव्यता बढ़ी है? बहुत ही अच्छी भव्यता बढ़ी है। हम लोग पिछले एक साल पहले आए थे तो यहाँ पे उसकी अपेक्षा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या कहेंगे इस बार कैसा नजारा है मंदिर का और काशी का? काफी लाजवाब नजारा है, काफी खूबसूरत मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और किसी तरह से आज तक कोई सुविधा, किसी की कोई असुविधा नहीं हुई है। सब चीज बहुत अच्छे से हुआ है और मंदिर में भगवान के दर्शन प्रभु के हो गए हमको, बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो साफ तौर पे काशी वासियों में उत्साह है, जहां भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ और वहां आज महाशिवरात्रि पे देश के जो अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहां के जो निर्माण कार्य है उसके साथ ही जो तमाम सुविधाएं हैं, तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि किसी तरीके की कोई असहूलियत अब नहीं हुई है। जबकि पिछले साल जब आते थे या उसके पहले जब आते थे, हर साल जो लोग आते हैं उनका कहना है तमाम जब दिक्कतें जरूर होती थी, लेकिन इस बार काशी में भव्य नजारा देखने को मिल रहा है जहां देश के अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना बिल्कुल, यानी कि हर कोई अपनी मनोती के लिए भगवान के दरबार आज पहुंच रहा है, अपनी इच्छा जो है भगवान के समक्ष रख रहा है। रामानुज भी हमारे साथ बने हुए हैं, रामानुज का रुख भी कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और चूंकि जगह जगह से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, भगवान भोले के दर पर हर कोई अपनी मनोकामना लेकर पहुंचा हुआ है, यहां पर भी तस्वीरें दिखाएंगे जरा किस तरीके की हैं? शिल्पा जी, मीडिया की टीम इस वक्त राजधानी देहरादून के सनातन मंदिर में है और आज सुबह से यहाँ भी जिस तरह से आपने देखा कि अलग अलग शहरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूजा अर्चना कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के मौके पर राजधानी देहरादून में भी इसी तरह से जो अलग अलग शिवालय हैं, सीधी तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि भक्त पहुँचे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, विशेष पूजा अर्चना हो रही है। और चूँकि उत्तराखंड में चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र में बड़े बड़े जहां भी शिवालय हैं वहां इसी तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ती जा रही है। और आज ये भी जो पर्व है, इस पर्व का क्या महत्व है, हमारे साथ में पंडित यहां के मंदिर के मौजूद हैं। महाराज जी, आखिर आज की जो पूजा अर्चना हो रही है वो कितना महत्व है, किस तरह से भक्त अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं? ये महाशिवरात्रि है, इसमें सभी भक्तों के कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि पाप हैं वह समस्त नष्ट हो जाते हैं और अनजाने में भी यदि कोई एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को अर्पित कर देता है उसके सभी प्रकार के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जिस भावना से, जिस मनोकामना से वह व्रत को करता है, शिव जी की अर्चना करता है, भगवान शंकर उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और यह परम जो शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पर सभी प्रकार के, विशेषकर दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, विभूति आदि की प्राप्ति करने के लिए और सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज का जो व्रत है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह ठीक